एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था वो ये था कि सुनील कुमार यादव, जी हाँ दोस्तों सुनील कुमार यादव क्यों कैप्टन बनाया गया टी20 फॉर्मेट का, इस पर भी उन्होंने बड़ा सवाल पूछा था, तो इस पर चीफ सेलेक्टर और गौतम गंभीर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए सूर्य कुमार यादव की जहाँ तक बात है, सूर्य कुमार यादव की वो एक मतदार उम्मीदवार है, उन्होंने कहा कि अर्न किया उन्होंने कैप्टनसी और वो बेस्ट खिलाड़ियों में से एक है, कार्तिक अभी भी हमारे लिए अहम खिलाड़ी है, हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट खिलाड़ी बनकर आए। फिटनेस एक जरूरी फैक्टर जरूर रहता है लेकिन दिक्कत यही है उनके साथ, फिटनेस एक साफ चुनौती और हम चाहते हैं कि हर वक्त मौजूद रहे। यानी कि देखिए सूर्य कुमार यादव के और हार्दिक को लेकर यही कहा कि फिटनेस इज है, क्योंकि वो आपको दोस्तों याद होगा 2023 वनडे वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या को इंजरी हुई थी और जिसके चलते वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो यानी कि इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो वहां पर फिटनेस एक अभी फिलहाल क्राइटेरिया बताया गया कि फिटनेस को देखते हुए हमने सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया है T20 फॉर्मेट का। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हार्दिक पांड्या एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एक बड़े खिलाड़ी है और टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर है और सबसे बड़ा गेम चेंजर मुझे भी ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या ही है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 का मैंने देखा था जहां पर गेंद के साथ भी कमाल किया था, बैट के साथ भी कमाल किया था, लास्ट ओवर में 16 रन डिफेंड किए थे हार्दिक पांड्या ने, कमाल कर दिया उस मैच में, भारत T20 वर्ल्ड कप जीता लेकिन उसमें जो पासिंग का विकेट था वो बड़ा विकेट था, वो हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया को सफलता दिलाई थी। तो फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि 5-6 ये बड़ी बड़ी बातें थी, चाहे बुमराह को लेकर, वर्कआउट मैनेजमेंट को लेकर, सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया, शुभमन गिल को टीम वाइस कैप्टन बनाया गया, इसके अलावा रोहित विराट पर भी उन्होंने बात की और साथ ही साथ इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज को लेकर भी बात की और उन्होंने कहा कि हम ये देखिए अब रोहित भी और विराट और रविंद्र जडेजा तीनों खिलाड़ी ये रिटायरमेंट ले चुके हैं T20 फॉर्मेट से, तो ऐसे में हमारी टीम अभी ट्रांजिशन फेज से है लेकिन उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया ऐसे यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाएगी और श्रीलंका को क्लीन स्वीप करेगी। T20 मैचेस पहले हैं, उसके बाद तीन वनडे मैचेस हैं, ये हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो इनफैक्ट शेड्यूल इनफैक्ट आती है और श्रीलंका के बीच पहले 3 T20 मैचेस पहले खेलने के लिए जाएंगे, उसके बाद 3 वनडे मैच आर फिर दिन कोलंबो में होंगे। लेकिन नए हेड कोच गौतम गंभीर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे सवाल किए गए और उनके जवाब भी आई थिंक आई होप सबके मिल गए होंगे। लेकिन अब जो पहला असाइनमेंट है टीम इंडिया का वो श्रीलंका दौरा है, क्या वहां पर टीम इंडिया बड़ी जीत हासिल करेगी ये एक बड़ा सवाल रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जिसमें चीफ सेलेक्टर अजीत अर्ग भी मौजूद थे, गौतम गंभीर भी मौजूद थे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमने आपको सारे जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको बताए, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताएं और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।